कितना आगे बढ़ा जमाना, फिर भी किस्सा वही पुराना, अब है नया संसार बनाना। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है, पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। अब तो शोषण से लड़ना है, नया समाज हमें गढ़ना है, प्रगति की राह पर चलना है, सपनों को साकार बनाना है। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। नमस्कार लीजिए, हम फिर हाजिर हैं ज्ञानदीप के साथ। आपने आदिवासी इलाके बस्तर के बारे में तो बहुत सुना होगा। इस जगह की अपनी सांस्कृतिक पहचान है, यहाँ के लोगों की अपनी परंपराएं हैं, पर अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने के चक्कर में ये लोग पिछड़े ही रहे, लिहाजा इनका शोषण भी खूब होता आया है। इसलिए इनके बीच चल रहे साक्षरता अभियान का सबसे पहला मकसद ये है कि अक्षर ज्ञान आने के बाद इनमें इतनी जागरूकता आ जाए कि शोषण से बच सके। आदिवासी समाज की एक बात तो सभी को पता है, हैं ये लोग भोले भाले, लिहाजा इनका शोषण भी बहुत होता है। इसीलिए यहाँ साक्षरता अभियान के तहत मकसद यही था कि इन्हें जागरूक किया जाए। ग्रामवासियों को अलग अलग काम करने की बजाय स्व सहायता समूह के माध्यम से इकट्ठा काम करने के लाभ के बारे में बताया गया। ये है करण टोला का खास पारा गाँव। आज इन आदिवासियों को पढ़ने से इतना तो समझ में आ ही गया है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस ग्रुप ने मिलकर स्व सहायता समूह का गठन किया, दो दो और पांच पांच रुपए इकट्ठा करके इन्होंने ये समूह बनाया। अब तक इस ग्रुप ने 3,000 रुपए जमा कर लिए हैं और इन्हीं पैसों से ये बंधन से खरीदी भी करते हैं। अभी सामान बिचौलियों को नहीं देते बल्कि सीधे ट्राइफेड को देते हैं। सरकार ने इस समूह को रिवॉल्विंग फंड के तौर पर 10,000 रुपए दिए हैं। इस राशि से साख बर्तन की शुरुआत हुई, जिनमें अभी तेंदू पत्ता संग्रहण और मसाला उद्योग प्रस्तावित है। अच्छा लागली पढ़ तो के आगे अन पढ़ रहे लोगों ने काम किया, अच्छा बल नहीं लागते रहे। इनका कहना है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सुविधाएं भी अच्छी हैं। इसका कहना है कि पढ़ना बढ़ना केंद्र में पढ़कर हम सबों ने स्व सहायता समूह का गठन किया, आज हमारे जीवन में नया मोड़ आया है। हमने कुछ रुपए बचाकर बैंक में जमा किए हैं और ये सब हमारे लिए वरदान है। धनवती का कहना है कि आज हम पढ़ाई के महत्व को समझ रहे हैं, साक्षर होना बहुत जरूरी है, घर में समाज में हमारा सम्मान हो गया है, स्व सहायता के माध्यम से हाथ में काम लिया है, हम जीने का ढंग सीख गए हैं और बाल बच्चों का पालन पोषण भी अच्छी तरह कर रहे हैं। स्व सहायता समूह में अभी 3,000 रुपए जमा है अपना तो, और हम लोग कोसा सेंटर खोलना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हमको पैसे की और ज़रूरत होगी शासन से, तो हम वहाँ से मांग करेंगे पैसे की और देंगे, तो फिर और अपना समूह को और मतलब संगठित करने की कोशिश करेंगे और बढ़ाने की बारे में बताते हैं। काटा के किलोग्राम इन लोग नहीं समझते, बाजार में जाने से जिस तरह भी बोलते हैं 1 किलो है, 5 किलो रहने से भी 1 किलो है बोलते हैं, फिर भी इन लोग वापस ले दे देते हैं और वापस अपना मैंने मान जाते हैं अपना गलती 1 ही किलो होगा इन लोग, लेकिन वहाँ पर 5 किलो रहता है, इन लोगों को ये सब मालूम नहीं था, अब इनको मालूम हो गया। बाजार में भी जाकर इन लोग अपना सही रेट अपने अपनी चीज का सही रेट लेके आते हैं। इमली खट्टी जरूर है पर इसका व्यापार मीठा फलदायक है, बस्तर इसके उत्पादन का सम्मुख क्षेत्र है। यहाँ पर गूदे और स्वाद में बस्तरिया इमली बहुत अच्छी मानी जाती है और इमली के व्यापार में पढ़ने लिखने के बाद बहुत फर्क आया है, इन्हें ज्यादा फायदा मिलने लगा है।
रामवती का कहना है कि पढ़ने से फायदा है, ये किलोवाट तक पहचाना जान गई है। इमली फोड़ती है और एक किलो फोड़ने पर 5 रुपए मिलते हैं। और फगनी तो ये कहती है कि अब वो ठगती नहीं, जंगलों से महुआ इमली चुनकर बाजार में बेचती है जिससे अच्छा पैसा मिल जाता है। इसी तरह बुधनी बाई जंगल का सामान बाजार में बेचती है और अब फायदा ही फायदा है। 5 रुपया आज ये सभी खुश हैं कि साक्षर होकर न सिर्फ जिंदगी जीने का तरीका आ गया है बल्कि उन्हें हर तरह का फायदा पहुंच रहा है। अगर कोई ठान ले कि उसे निरक्षरता के अंधकार से निकलना है तो वो जरूर निकल सकता है, पर ऐसा संकल्प कोई कब लेता है? जब वो दूसरों को देखता है कि लिखना पढ़ना सीखने के बाद वो अपनी जिंदगी एक बेहतर तरीके से जी पा रहे हैं। यानी एक प्रतियोगिता की भावना आ जाए तो लोगों को प्रेरित करना आसान हो जाता है। ऐसा ही एक अनुभव लेते हैं, चलते हैं पूर्वोत्तर। प्रतियोगिता का अपना महत्व है और फायदा भी। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में जब साक्षरता की लहर ने जोर मारा और महसूस होने लगा कि साक्षरता के मामले में ये राज्य भारत के दूसरे राज्यों से कहीं आगे निकल गया है, तो जो लोग निरक्षर थे उनमें एक तरह का हीनता भाव पनपा। जब सभी साक्षर हो रहे हैं तो वे क्यों पिछड़े रहे? इस भाव ने जवान बूढ़े महिला पुरुष सभी को पीड़ित किया, पर ये हार मानकर नहीं बैठ गए। कैफिंग गांव के लोग, जिन्हें बचपन में किताबों से रूबरू होने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने संकल्प लिया कि वे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिंदगी की वे खुशियां देखेंगे जिनसे वे अभी तक वंचित थे। ये लोग वैसे तो खेत खलियानों में काम करते हैं, वहीं बचपन भी बीता, इसलिए क ख ग तक नहीं सीख पाए, पर अब काम खत्म करने के बाद ये आ जाते हैं इस साक्षरता के मंदिर में जहाँ इन लोगों को पढ़ना सिखाया जाता है। लालपर भावरी कहती है कि उसे अफसोस था कि वो निरक्षर थी। उसे पढ़ लिख कर मिजोरम का सदस्य बनना था, वो अब सीधा गणित और लेन देन सीख चुकी है। अपनी खुशी ये यहाँ पढ़ने वालों के साथ ही नहीं बांट रही बल्कि इन लोगों के रिश्तेदार भी खुश हैं। जाकुंगी भी खेती करती है, इसे खुशी इस बात की है कि इसके बच्चे नाते पोती खुश हैं कि उनकी दादी साक्षर है। ये गौरव की बात है कि ये सिर्फ उनका आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ा रही बल्कि उन्हें और उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में बढ़ावा दे रही है। किताबें अखबार पढ़ते हैं, नोटिस बोर्ड पढ़ते हैं, राजनीति पर चर्चा करते हैं। अखबार बाइबल और लाइब्रेरी में रखी इन पुस्तकों को मैं पढ़ सकती हूँ। संगजुआला कहता है कि टीवी देखता है, सब समझता है, अखबार में राजनीति की बातें गौर से पढ़ता है। साक्षरता की वजह से जिंदगी में जो परिवर्तन है वो है इनकी जिंदगी को परखने का नजरिया ही बदल गया है। लाल फाग ज्वाला कहते हैं कि यहाँ आने के बाद, यानी कि साक्षर होने के बाद, वे समाज के काम में ज्यादा योगदान दे पा रहे हैं। अब वे यंग मिजो एसोसिएशन में भी सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। एसोसिएशन का सदस्य तो उन्हें बना ही दिया गया है, चर्च और दूसरी सामाजिक चीजों पर भी वे अपनी राय रखते हैं। साक्षरता वाकई में लोगों को नई दिशा में ढालता है। संगजुआला कहता है कि पढ़ाई के बाद वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। शिक्षक जोलियाना भी खुश है, उसकी तमन्ना है इन लोगों को देश का अच्छा नागरिक बनाएं ताकि वे गांव का भी भला कर सकें। उनको पढ़ा के हम चाहता है उन लोगों को ये भारत के लिए एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए और अपना गांव के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए हम उन लोगों को जितना सकता है ऐसा पढ़ाता है। शायद इसी वजह से मिजोरम साक्षरता के क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर पाया।
देखा ये भी गया कि जहाँ लोग साक्षर हो जाते हैं वहाँ विकास की गति भी तेज हो जाती है। सच में अगर सभी मिलजुल कर तरक्की की राह पर आगे बढ़े तो मंजिल जल्दी पहुँची जा सकती है। किसी भी जगह को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने के लिए अगर सरकारी और गैर सरकारी प्रयास मिल जाएं, तो सफलता जल्दी हाथ लगती है। पंजाब के रोपर इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ साक्षरता अभियान के दायरे में व्यवसायिक प्रशिक्षण को भी शामिल कर लिया गया, जिससे लोग आगे आए किताबों से रूबरू होने के लिए। पढ़ना लिखना है वरदान, जो ना समझे ओ नादान। ऐसे है कि अनपढ़ रहे ना कोई प्राणी, प्यार दे हर कोई बोले बाणे। पंजाब के रोपड़ जिले में ये साक्षरता के नारे जगह जगह सुने जा सकते हैं। वैसे तो रोपड़ शिक्षा के मामले में बहुत आगे है, लेकिन अभी भी गरीब किसान और मजदूर अशिक्षित हैं। इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इन निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए रोपड़ जिले में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं साक्षरता अभियान में जी जान से जुटे हुए हैं। साक्षरता अभियान के अंतर्गत लड़कियों और महिलाओं को व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण में मुख्य रूप से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और पेंटिंग वगैरह सिखाई जाती है। इन सबको सीखकर लड़कियां अपने दैनिक जीवन में तो इसका इस्तेमाल कर ही सकती हैं और साथ ही साथ अपना छोटा मोटा व्यवसाय भी कर सकती हैं, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर खुशहाल जीवन जी सकें। इस प्रकार का प्रशिक्षण उन महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो रहा है जो किसी इंस्टीट्यूट में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और पेंटिंग वगैरह नहीं सीख सकती, क्योंकि आमतौर पर इंस्टीट्यूट की फीस बहुत ज्यादा होती है और ये गांव से भी बहुत दूर होते हैं। इस प्रकार के साक्षरता अभियान से गांव में नई चेतना और जागृत दिनों दिन विकसित हो रही है। साक्षरता अभियान के अंतर्गत पढ़ने वाले लोगों में अब पहले से बहुत परिवर्तन आया है। जहाँ होर उनके विकास के बारे में, आर्थिक दशा उनकी सुधरी है, और पहले उनको सेहत के बारे में पता नहीं था, एड्स की बीमारी क्या है या और कुछ बीमारियों के कारण का पता नहीं था। अब उनको जो पढ़ना लिखना जो आ गया है और उनको छोटी छोटी सी बुक्स दिए हैं और उनको जो साहित्य है वो प्रोवाइड किया है, वो पढ़ने लगे हैं और उसमें उनको जो सेहत है, सेहत के लिए उनको पता चल गया है और उनको जो विकास कार्य जो करने हैं और उनके उसको बहुत जागृति आई उनमें। रतन सिंह का कहना है कि पहले हमारे गांव में पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं थी, सारे गांव में एक दो लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन अब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो स्कूल या कॉलेज नहीं जाता हो। पहले हमारे गांव में कभी शिक्षा का बहुत कम प्रोग्राम था, सारे गांव में तकरीबन एक या दो बंदे ही पढ़े लिखे थे। उसके बाद अब स्कूल भी यहाँ प्लस टू का हो गया हमारे गांव में, तो आस्ते आस्ते सारा प्रोग्राम चल रहा है। अब तो तकरीबन मेरा तो ख्याल ही नहीं भी ऐसा कोई बच्चा होगा जो अभी ना किसी स्कूल में या कॉलेज में ना जाता। साक्षरता अभियान के अंतर्गत सिलाई कढ़ाई सीखने वाली जितेंद्र कौर का कहना है कि हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। हमें तो वैसे बहुत यहाँ पर बहुत सिलाई मिली है, कपड़े सीने और कढ़ाई वगैरह सब हुआ है यहाँ पे, हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। आंगनबाड़ी की अध्यापिका का कहना है कि हमारे गांव की कुछ महिलाओं को साइन वगैरह भी नहीं आते थे और उन्हें बोर्ड के इस्तेमाल के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए गांव की महिलाएं चाहती थीं कि गांव में ऐसी कोई संस्था चले जो उन्हें शिक्षित करे। गांव में ये सिखाया है कि कैसे कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनको साइन वगैरह नहीं करने आते थे बोर्ड का इस्तेमाल, तो कुछ लेडीज चाहती थी कि हमारे गाँव में कोई ना कोई अपना किता खोलना चाहिए, तो हमने जैसे मोमबत्ती सर्फ बनाने के ये भी कैंप लगे और बनाती हैं हमारी खुद लेडीज, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म भी है हमारे में। साक्षरता अभियान कुछ लोगों के लिए तो वरदान साबित हुआ है, या महिला तो पढ़ाई लिखाई सीखने के बाद अपनी दुकान चलाने लगी है। लेकिन इस सब के बावजूद मध्यम आयु के निरक्षर लोगों में अभी भी पढ़ाई लिखाई करने में संकोच होता है, ये लोग पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट बिल्कुल है लोगों का, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों का नहीं है, इसलिए हम सच्ची बात आपको बोलते हैं कि बहुत लोग ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते, जो जिसकी उम्र 40 साल की हो जाती है, 45 साल की हो जाती है, वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते। लेकिन इसके बावजूद भी साक्षरता अभियान चला रहे लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वो बच्चों को कंप्यूटर वगैरह सिखाने का सपना भी देख रहे हैं।
हमारे मन में भी है कि कंप्यूटर होना चाहिए, इसके लिए पैसे की भी प्रॉब्लम है, और जब आ जाएंगे हम कुछ मेहनत कर लेंगे, डोनेशन लोगों से ले लेंगे तो वो भी करेंगे, जरूर करेंगे। हमारी दिल की ये इच्छा है कि हम यहाँ ही लोगों को कंप्यूटर भी सिखाएं, बच्चों को भी, और जो दसवीं वगैरह कर लेते हैं, बारहवीं कर लेते हैं, उनको भी यहाँ सिखाया जाएगा। कुल मिलाकर अंत में कहा जा सकता है कि साक्षरता अभियान के द्वारा रोपड़ से निरक्षरता नामक बीमारी को भगाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, और यह प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुआ है। इस प्रयास में इस प्रकार की कविताएं और गीत लोगों को पढ़ाने के लिए अवश्य ही प्रेरित करते हैं कि विद्या दा दान महादान है, विद्या दा दान महादान है, बिन विद्या नर पशु समान है, ए ता अनेरे नु चानन कर दी, इससे ले विद्या ते सानू मान है, इससे ले विद्या ते सानू मान। देखा जाए तो साक्षरता अभियान न सिर्फ जिंदगी में लोगों की दशा सुधारता है, बल्कि उनको जिंदगी में कौन सी दिशा चुननी है ये भी बताता है। यहाँ बताने का मतलब ये है कि साक्षर होने के बाद लोगों में इतनी समझ आ जाती है कि वो अपनी मंजिलें, अपनी रास्ते खुद ही ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। रांची और झारखंड में ही देखिए, यहाँ लोगों में कितना परिवर्तन आया है, परिवर्तन उनकी आर्थिक स्थिति में, परिवर्तन उनकी सोच में। रांची में उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम अब महज एक अभियान नहीं रह गया है, बल्कि प्रौढ़ों को एक नई दिशा देने का मकसद भी बन गया है। बापूजी का यही था कहना, बापूजी का यही था कहना, हम पढ़ा, हम पढ़ा। ये मकसद है पाठ तीन तक पढ़े हुए उन प्रौढ़ों को पूरा सम्मान देने का, और ये समझाने का कि शिक्षा को सिर्फ नौकरी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। साइकिल का ट्रेनिंग किया जिला साक्षरता समिति से, और साइकिल ट्रेनिंग करने के बाद अभी दुकान खोले, दुकान खोलने से हमारा अपना रोजगार चल रहा है। शिक्षा बेशक नौकरी न दे पर रोटी दे सकती है, रोजी दे सकती है, इसी उद्देश्य को लेकर रांची में कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नव साक्षरों को टूल्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिससे वे स्वयं साइकिल मरम्मत, मोटर पंप मरम्मत आदि कर लेते हैं। सच पूछें तो प्रौढ़ों को पढ़ाना बच्चों को पढ़ाने से कठिन काम है, जबकि प्रौढ़ ज्यादातर समझदार और जागरूक होते हैं। पर प्रौढ़ों के पास बाधाएं भी तो कम नहीं होती, एक तो काम का बोझ और उस पर से पढ़ना लिखना आखिर किस काम का। मंगना उराव का कहना है कि वो बूढ़ा हो रहा है, अब क्या पढ़ेगा, उसके बच्चे बीमारी से मर गए, वो कुछ भी नहीं बचा पाया, अब पढ़कर क्या करेगा। सामान्य देवी की बहुत समस्याएं हैं, गांव में बिजली नहीं है, तेल पानी की किल्लत है, किसी को नौकरी चाकरी नहीं है, सरकार पढ़ने को कह तो रही है लेकिन तेल तो नहीं देती, नेता आते हैं वोट ले जाते हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। बच्चा उच्चा के पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत है, वाला हमके तेल पानी कर बहुत दाम है। सामान्य देवी की बातों में दम है, ऐसे कई ग्रामीण हैं जिन्हें घरों में रोशनी के लिए तेल नसीब नहीं होता, फिर वे शाम को चौपाल पर कैसे पढ़ने जाएं? तो हम इनकर घर में लाइन कर चलते डिबरी लेके आंख में नहीं दिसे लखाली, आंख आंख तरह दिखाई चली ला घर में। शाम को समय निकालना शायद सभी ग्रामीण पुरुष और महिलाओं की दिनचर्या का एक हिस्सा है, क्योंकि श्रम के बाद समय निकालकर पढ़ना ही लालगढ़ गांव की जागृति का एक उदाहरण है। बच्चों से घर की शोभा है, बच्चों से घर की शोभा है, बच्चों में है अपनी जान, बच्चों में है अपनी जान, बेटा हो या बेटी, बेटा हो या बेटी, दोनों हमको लगते एक समान, दोनों हमको लगते एक समान। नीला कुमारी कहती है कि दिन भर मजदूरी करती हूँ पर शाम को पढ़ती हूँ। बाजार मन गली आली धान मंडप काली, फिर भात तीने रांधली पढ़े आली। मोहरी भी इस बात को समर्थन करती है। नव साक्षरों में जोहार नामक इस पुस्तक में बिरसा मुंडा के आदर्शों को पढ़ाया जाता है, और बताया जाता है कि बिरसा ने आदिवासियों के उत्थान के लिए क्या कुछ नहीं किया। बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता, छोटा नागपुर के लोग उन्हें धरती आबा कहते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। बिरसा 1875 ईस्वी को हुआ था, उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का कर्मी मुंडा था।
मुख्य प्रेरक सुबोध किस्पोटा कहता है कि घर घर घूमकर सुविधा अनुसार उसे पढ़ाना पड़ता है। गांव गांव घर घर घूमना पड़ता है, वो सबको समझा बुझा के किस तरह वही लोग के सुविधा अनुसार हम लोग उन लोग को पढ़ाते हैं। और अब यहाँ माहौल इतना बदला है कि पढ़ने वाले नवसाक्षर अपनी बीवी को भी साथ में पढ़ाने लाते हैं। ये राजमिस्त्री का काम करता है और इसे अब पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। राजमिस्त्री भी सीखे गए। नवसाक्षर होने के बाद बिरसा उराव ने कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिल मरम्मत का काम सीखा और आज ये अपने पैरों पर खड़ा है। अभी यहाँ पढ़ के हमको जानकारी हुए इसका साइकिल का ट्रेनिंग किए मरम्मत करने का। ये आदिवासी मुंडा अब न सिर्फ नवसाक्षर है बल्कि इसके पढ़ने की ललक इनकी मजदूरी के बोझ से भी हल्की है। गौरतलब है कि बेराडी गांव में साक्षरता अभियान के पूर्व साक्षरता दर सिर्फ 10% थी, अब ये 80% तक पहुंच चुकी है। मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ाई में यहाँ ये मुंडा बहुल समुदाय का एक गांव है और यहाँ पर पढ़ाई का सुदूर रहने के कारण यहाँ पर पढ़ाई का वातावरण अच्छा बना। यहाँ के हमारे कुछ साक्षरता कर्मी प्रेम रंजन मुंडा और दूसरे लोगों ने काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी अच्छा काम करा है। इस गांव की आबादी लगभग 1000 के लगभग में है, जिसमें से 80% लोग पहले निरक्षर थे। उन 80% में से लगभग 500 से 600 लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके कुछ पढ़ना लिखना सीख लिया है। ये जो संपूर्ण साक्षरता अभियान जो चलाया गया जिला साक्षरता समिति के द्वारा, उसमें आप देखेंगे कि ये इसमें जन भागीदारी ज़्यादा रही और हम लोगों ने कोशिश किया कि ये पूरा विकेंद्रीकरण हो, ज़्यादा उसमें प्रशासन का हस्तक्षेप कम हो, सरकारी लोग कम जुड़ें, ज़्यादा वैसे लोग जुड़ें जो वास्तव में पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। आखिर हम इस अभियान के तहत किस तरह के फायदों की उम्मीद कर रहे हैं? जाहिर है सभी तरह के फायदे। कोई पढ़ लिख कर किसी शोषण से मुक्ति पाले, ये भी फायदा है। ज्यादा कमाने लगे, ये भी फायदा है। कोई सामाजिक कुरीति से छुटकारा पाले, ये भी फायदा है। और एक बड़ी जनसंख्या वाले देश में कोई पढ़ लिख कर छोटे परिवार के गुणों को समझ सके, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। जनसंख्या साहब जो है अनजान के लिए बढ़ रही, हम पंजन मालूम नहीं रहा। आप शिक्षा मिले लागे है, तब दो लड़की हैं तो उनका परहेज करे लागे हर चीज कर। ये एक व्यापारी है, व्यापार करना तो उन्हें आता था, परंतु छोटे परिवार के गुण को वे साक्षरता संदेश को समझने के बाद ही समझ पाए हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे भी आबादी आजादी के बाद भी तेजी से बढ़ी है। एक बड़ा कारण तो यही रहा कि लोगों में एहसास ही नहीं था कि घर में ज्यादा सदस्य होंगे तो घर के सीमित संसाधनों पर ही जोर पड़ेगा और आर्थिक बेहतरी नहीं हो सकती। दिलीप कुमार का कहना है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का खूब लाभ रहा। जनसंख्या बढ़ने का कारण यह है कि आज जो लोग जो है पढ़े लिखे कम थे और जो अभियान चल रहा है सरकार का संपूर्ण साक्षरता अभियान, इससे लोगों को काफ़ी जो है लाभ हुआ है और काफ़ी लोग इसमें जो है बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इससे जो है लोगों को जानकारी भी मिली है कि कैसे जनसंख्या वृद्धि रोकी जाए, कैसे पल्स पोलियो का अभियान में जो है भाग लिया जाए। पहले तो ये था, कुछ अंधविश्वास भी था लोगों में कि पल्स पोलियो वगैरह जो है वो सब बहुत लोग कम भाग लेते थे, लेकिन अब जो है सब लोग पहुंचते हैं। महेश कुमार भी इनकी बातों से सहमत हैं। जनसंख्या का कारण यही जो अशिक्षा है, अशिक्षा का कारण है जनसंख्या बढ़ना। और जो अगर आदमी शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि वो जो इस समय चल रहा है जनसंख्या के बारे में जो कार्यक्रम चल रहे हैं कि मतलब टीके लगवाना या अन्य उपयोग जो हैं स्वास्थ्य विभाग के उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षा आदमी के पास है ही नहीं तो क्या करेगा, जो शिक्षित है वो उसको उपाय भी सोच लेगा। ये लोग अकेले नहीं, साक्षरता क्लास में पढ़ने आने वालों की सोच इसी तरह से हो रही है। किताबों में तो इस पर लेख नहीं, पर ये लोग जब आपस में मिलकर बैठते हैं, घर परिवार की बात करते हैं, तो बच्चों की बात, आर्थिक परेशानियों की बात, घर की समस्याओं की बात हो ही जाती है। तब बड़े परिवारों की वजह से उत्पन्न दिक्कतों का भी जिक्र होता है। क ख ग 1 2 3 सीखते सीखते उनके मन में बदलती दुनिया का भी ख्याल आता है और वे समझ पा रहे हैं कि विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना तो आबादी नियंत्रण जरूरी है। अनुसूचित जाति की रन्ना की बात सुनिए। अब पढ़ लिख जी हैं तो सब जान जी हैं,
तब खुद रुके उनका मालूम हो जाए कि किस तरीके से रोका जाता है। साक्षरता के जिला संयोजक आराध्य शुक्ल साफ कहते हैं, महिलाओं में क्या पूरे समाज में बदलाव दिख रहा है। महिलाओं में तो हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस आई कि लोग आपस में महसूस किया, आपस में एक दूसरे के घर जाने लगी, उठने बैठने लगी। तीसरी चीज़ है कि पर्दा प्रथा के बारे में बहुत दूरियाँ खत्म हुई, लोग अब आ रही है खुल के सामने, महिलाएं बात करती हैं, पूछती हैं, और बाल विवाह की समस्या काफ़ी हद तक कम हुई है। बाल विवाह तो खैर वैसे ही बहुत ट्रेडिशनल था, वैसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन बहुत कम उम्र के विवाह, जैसे 16, 17, 18 साल की उम्र के विवाह, ये सब बहुत कम हुए हैं और लोग महसूस करने लगे हैं कि मैच्योर एज के चीज़ों के बारे में क्या है। दूसरा चीज़ है कि सिक्योर डिलीवरी के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त जागरूकता आई। अब मैंने महसूस करता हूँ कि हमारी इतनी अवेयरनेस के बाद में कहीं भी लोग घर पर डिलीवरी के बारे में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हों, लोग महसूस करने लगे हैं कि कहाँ पे हमको कराना है, या टीकाकरण के बारे में है कि बच्चों को कब हमें BCG के टीके लगवाने हैं, कब ट्रिपल एंटीजन देनी है, इस तरीके की चीज़ों के बारे में बहुत ज़बरदस्त जागरूकता आई है। जागरूकता आ रही है, साथ ही जनसंख्या कैसे कम हो, क्या उपाय हैं, इसके बारे में साक्षरता अभियान के जरिए नव साक्षर बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। जनसंख्या जो बढ़ रही है और कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उसके दो तीन मेन कारण हैं। सबसे मुख्य चीज़ यह है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग जानते नहीं हैं कि सही सही उपाय क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनको हम अपना करके इसको हम परिवार को नियंत्रित कर सकते हैं, एक चीज़ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा काज है वो ये है कि लोगों में शाइनेस बहुत है, लोगों में शर्मिंदगी बहुत है, तो लोग अमूमन जैसे आदमी को कंडोम की ज़रूरत है, वो जाएगा शॉप पर, वो कह नहीं सकता अपने मुँह से कि मुझे कंडोम चाहिए। तो देखा आपने, किसी चीज़ की जानकारी हो, इच्छा शक्ति हो, तो मनुष्य क्या नहीं पा सकता। ये थी हमारी आज की ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के अगले एपिसोड में आपको फिर ले चलेंगे कुछ और राज्यों में नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए, नमस्कार।